हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फिज़ा और फिज़ास कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई, जो बिना घी, बिना मावा और बिना कंडेंस मिल्क के घर के कुछ ही सामान से आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रसीली मिठाई आराम से घर पे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो ये मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कप सूजी लूँगी। सूजी आप यहाँ पे मोटी वाली या फिर बारीक कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हमें पीसना ही है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर की कोई भी छोटी वाली कटोरी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 कप यानी कि 4 बड़ी चम्मच चीनी लूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए 2 से 3 इलायची डालूँगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सी जार में पीस लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं, हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्सी जार में पीस के इसका अच्छा सा पाउडर बना लिया है। तो एकदम बाहर जैसे मिठाई का स्वाद लाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप यानी कि 4 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 कप यानी कि 4 बड़ी चम्मच नारियल का बुरादा डालूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी। हमें यहाँ पे बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है। बेकिंग पाउडर से हमारी मिठाई स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगी। तो अभी हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, आपको 1 कप दूध इसमें डाल देना है। ये सभी चीज़ों का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ये मेजरमेंट के साथ ये मिठाई बनाएंगे तो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। दूध डाल देने के बाद हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक बैटर बना लेना है। तो हमें यहाँ पे इस बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। तो इस बैटर को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार का टिन का बर्तन लिया है। आप चाहे तो इसे केक टिन में या फिर कोई भी इस प्रकार के बर्तन में बेक कर सकते हैं। अभी हमारा बैटर इसमें चिपके ना, इसके लिए मैं इसको तेल से ग्रीस कर लूँगी। तो अगर आपके पास नीचे लगाने के लिए बटर पेपर ना हो तो आप इस प्रकार की किसी भी पॉलीथीन को लेके इसको ऐसे गोल कट करके नीचे लगा सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, या तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आपका बैटर नीचे से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इस बैटर को बेक करने के लिए मैं यहाँ पे 1 बाउल नमक लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस प्रकार का छोटा सा स्टैंड लिया है। अगर आपके पास इस प्रकार का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को भी उल्टा रख सकते हैं। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो अभी हम इस बैटर को बाउल में डाल के 20 से 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे। तो 20 से 25 मिनट हो गई है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा बैटर पक गया है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टूथपिक लेंगे और इसको इसके अंदर डालेंगे। अगर हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकल रही है, मतलब हमारा बैटर पक चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और मिठाई के लिए चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। तो चीनी और पानी का माप हमें बराबर लेना है। अभी हमें सिंपली इस चीनी और पानी के मिक्सचर को उबाल लेना है और थोड़ी सी चिपचिपी होने तक इसको पकाना है। तो अभी आप देख सकते हैं, हमारी चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है, मतलब हमारी चाशनी परफेक्ट है। तो अभी हमें यहाँ पे चाकू की मदद से इसको बाउल से अलग कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं, हमारा ये बैटर दोनों साइड से कितना अच्छे से पक चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इसको कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं हमारे ये पीसेस कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी हम सभी पीसेस के ऊपर चाशनी डाल देंगे ताकि हमारी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, स्पंजी और सॉफ्ट बन के तैयार हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा कम सामान में और एकदम आसान तरीके से हमने ये मिठाई बना के तैयार कर ली है। तो ये मिठाई आपको खाने में थोड़ी थोड़ी रसगुल्ले के जैसी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगी।